CS301 के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ डेटा। डेटा आर सिंपली अ सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स विच आर कॉल्ड डेटा टाइप्स लाइक स्ट्रिंग, इंटीजर, कैरेक्टर एक्सेट्रा। डेटा सिंपली एक सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं और वो वैल्यूज़ अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, जैसे स्ट्रिंग, इंटीजर, कैरेक्टर एक्सेट्रा। यदि हमें कुछ सिंगल अल्फ़ाबेट सेव करने हैं तो हम कैरेक्टर में करते हैं, नंबर सेव करने हैं तो हम इंटीजर में करते हैं, और हमें ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स सेव करने होते हैं तो हम स्ट्रिंग में सेव करते हैं। Structure is a way of organizing information so that it is easier to use. और structure जो है वो एक तरीका है information को organize करने का, जिससे हम आसानी से उसे काम में ले सकें। In simple words, we can define data structure as an organization in which डेटा कैन बी ईजियर टू यूज़। अगर हम साधारण शब्दों में बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है, जिससे उसे आसानी से उपयोग में लिया जा सके। इसकी कुछ और डेफिनेशंस भी हम देखते हैं। अ डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ पर्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज एफिशेंटली। डेटा स्ट्रक्चर डेटा को कंप्यूटर में एक निश्चित तरीके से ऑर्गेनाइज करने का तरीका है, जिससे हम उसे एफिशिएंटली यूज़ कर पाएँ। अ स्कीम फॉर ऑर्गेनाइजिंग रिलेटेड पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा स्ट्रक्चर को हम एक स्कीम की तरह भी मान सकते हैं, जिससे एक जैसी जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। अब हम बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर को हम क्यों काम में लेते हैं, या डेटा स्ट्रक्चर को काम में लेने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। ह्यूमन रिक्वायरमेंट विद कंप्यूटर आर गोइंग टू कॉम्प्लेक्स डे बाई डे। टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स इन एफिशिएंट वे वी नीड दिस स्टडी। हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं कंप्यूटर से, वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स से और कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, और इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें डेटा की रिक्वायरमेंट रहती है। और जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी, डेटा का अमाउंट भी उतना ही ज़्यादा होगा, और उस डेटा को यदि हम प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं रखेंगे तो हम उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कभी भी सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड कराता है फास्टेस्ट सॉल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स। और जब हम डेटा को सही तरीके से ऑर्गेनाइज रखेंगे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो डेटा स्ट्रक्चर हमें उस प्रॉब्लम का फास्टेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। Provide efficient solution of a complex problem with respect to space and time. अब यदि हमें किसी complex problem को solve करना है जिसमें data भी बहुत ज़्यादा है, तो उस problem का solution efficient भी होना चाहिए space और time में। space से हमारा तात्पर्य है कि कोई particular program memory में कितनी स्पेस कंज्यूम कर रहा है, और वो पर्टिकुलर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम ले रहा है। तो डेटा स्ट्रक्चर हमें दोनों ही तरीके से हेल्प करता है हमारी प्रॉब्लम को एफिशिएंटली मेमोरी में स्टोर करने में, और साथ ही साथ जल्दी एग्जीक्यूट करके कम टाइम में फास्टेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने में।
अब हम देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं। वी स्टडी लॉजिकल और मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर। जो भी हम स्ट्रक्चर्स जो अलग अलग प्रकार के हम आगे की स्लाइड में देखेंगे उनका लॉजिकल और मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑन अ कंप्यूटर यूजिंग डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और वो जो स्ट्रक्चर हमने देखे हैं उन स्ट्रक्चर्स को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि हम सी लैंग्वेज काम में लेंगे उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर विच इंक्लूड्स डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ मेमोरी नीडेड टू स्टोर द स्ट्रक्चर एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द स्ट्रक्चर। और एक बार जब हम उसका कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेशन कर चुके होंगे तब हम ये एनालाइज करेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो मेमोरी में कितनी स्पेस कंज्यूम कर रहा है और कितना टाइम ले रहा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके एग्जीक्यूट करने में। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर को बेसिकली दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वो है सिंपल डेटा स्ट्रक्चर और कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर हम पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जैसे जो बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर एक्सेट्रा। और दूसरे डेटा स्ट्रक्चर जो कि हम डिटेल में इस कोर्स में पढ़ेंगे वो हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आते हैं एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक और क्यू। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आते हैं ट्री, ग्राफ एंड फाइल्स। अब यहाँ पर लीनियर या नॉन लीनियर का क्या मतलब है और ये जितने भी डेटा टाइप्स के नाम मैंने बताए हैं इनकी वन बाई वन हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे कि ये लीनियर क्या है, नॉन लीनियर क्या है, और एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, फाइल्स, ये सारे डेटा टाइप्स हमें किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं ये हम वन बाई वन देखेंगे। अभी इस लेक्चर में हम इनका बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि ये डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होते हैं। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड डेटा टाइप ऑफ एनी वन ऑफ द कंप्यूटर लैंग्वेजेस, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट एटसेट्रा। जो सिंपल डेटा टाइप्स या प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमें डायरेक्ट ही अवेलेबल करवा देती हैं, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और इसी तरह के कुछ और सिंपल डेटा स्ट्रक्चर्स। कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ एनी वन ऑफ द प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड इट इज़ हैविंग अ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। इट कैन बी डिज़ाइंड बाय यूज़र। इट कैन बी क्लासिफाइड एज लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जो कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर हैं वो किसी भी एक या एक से ज़्यादा जो सिंपल या प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से क्रिएट किए जा सकते हैं, और ये कॉम्बिनेशन हमारे पास में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा भी अवेलेबल होता है और यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार खुद कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर को डिज़ाइन भी कर सकता है। और इस डेटा स्ट्रक्चर को हम लीनियर या नॉन लीनियर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब हम बात करेंगे लीनियर या नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ट्रैवर्सेस द डेटा एलिमेंट्स सिक्वेंशियली इन विच ओनली वन डेटा एलिमेंट कैन बी डायरेक्टली रीच्ड, फॉर एग्जांपल एरेज, लिंक्ड लिस्ट एक्सेट्रा। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो है उसमें हमारे पास जो भी डेटा है उसे हम एक सिक्वेंशियल मैनर में ट्रेवर्स या एक्सेस करते हैं और एट ए टाइम हम एक ही डेटा एलिमेंट तक पहुंच पाते हैं, जिसके एग्जांपल्स हैं एरे और लिंक्ड लिस्ट। जैसा कि आपको ध्यान होगा एरे में हमारे पास
कंटिजुअस मेमोरी लोकेशंस में डेटा सेव रहता है और एक बार में हम एक ही डेटा एलिमेंट को एडिट करते हुए सिक्वेंशियल मैनर में आके बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की। एवरी डेटा आइटम इज अटैच टू सेवरल अदर डेटा आइटम्स इन अ वे दैट इज स्पेसिफिक फॉर रिफ्लेक्टिंग रिलेशनशिप्स। द डेटा आइटम्स आर नॉट अरेंज्ड इन अ सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल ट्रीज एंड ग्राफ्स। अब नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हम खास तौर पे उन सिचुएशंस में यूज़ लेते हैं जब हमें डेटा के बीच में एक रिलेशनशिप को शो करना है और इस रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट करने के लिए एक डेटा आइटम मल्टीपल डेटा आइटम्स से कनेक्टेड रहता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इससे हम सिक्वेंशियल वे में रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए इन्हें नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल्स हम आगे देखेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा कि एक एलिमेंट एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट से किस प्रकार कनेक्टेड रहता है। अब कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कि हम कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर पे परफॉर्म करेंगे, वो है एडिंग एन एलिमेंट। जो भी प्रेजेंट डेटा स्ट्रक्चर है उसमें एक एलिमेंट को ऐड करना, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करना। जितने भी डेटा एक पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर में हैं उन सभी को ट्रैवर्स करना और ऑप्शनली साथ साथ उनकी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना। जो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं उन्हें एक पर्टिकुलर वे में सॉर्ट करना यानी कि अरेंज करना, और अगर हमें किसी पर्टिकुलर डेटा एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है तो उसे सर्च करना। एक बार हम जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनका बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हुए और उसमें डेटा किस प्रकार अरेंज होता है उसकी बात कर लेते हैं, उन्हें लैंग्वेजेस में एग्जीक्यूट किस तरह से करना है या उनका एनालिसिस किस तरह से करना है, ये हम आगे वाले लेक्चर्स में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरे की। एरे इज़ अ कॉमनली यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टू मीन अ कंटिजुअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर ईच मेमोरी लोकेशन स्टोर वन फिक्स्ड लेंथ डेटा आइटम, फॉर एग्जाम्पल एरे ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर में या इंटीजर का जो एरे है या कोई भी प्रकार का एरे होता है उसमें एक कंटिजुअस मेमोरी लोकेशन में एक ही प्रकार के डेटा को लगातार हम सेव करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लिया हुआ है इंटीजर ए बिग ब्रैकेट में 10, इसका मतलब है एक ए नाम का हम एरे डिक्लेयर कर रहे हैं जिसमें 10 एलिमेंट्स होंगे और वो सारे ही 10 एलिमेंट इंटीजर प्रकार के होंगे, और इन 10 एलिमेंट्स की इंडेक्सिंग हम 0 से 9 तक करते हैं और इनकी रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ इनके इंडेक्स के नीचे शो की गई है। तो ये 10ों ही अलग अलग मेमोरी लोकेशंस हैं और हर एक मेमोरी लोकेशन पे एक इंटीजर टाइप का डेटा ही स्टोर होगा। सेकेंड जो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है वो है स्टैक। अ स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन विच आइटम्स कैन बी इंसर्टेड ओनली फ्रॉम वन एंड एंड गेट आइटम्स बैक फ्रॉम द सेम एंड। देयर द लास्ट एलिमेंट इंसर्टेड इन टू स्टैक इज द फर्स्ट आइटम टू बी टेकन आउट फ्रॉम द स्टैक। इन शॉर्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज लीफो। स्टैक से तात्पर्य है, इसका बिल्कुल साधारण एग्जाम्पल है, अगर हम प्लेट्स को, हमारे पास कुछ प्लेट्स हों उन्हें हम एक के ऊपर एक रखते जाएं, तो सबसे पहले जो सबसे ऊपर की जो प्लेट होगी हम उसे ही उठाएंगे,
उसके बाद में उसके नीचे वाली, उसके बाद में उसके नीचे वाली, तो सबसे आखिर में जो प्लेट होगी वो सबसे ऊपर रखी जाएगी और सबसे पहले सबसे उसी प्लेट को उठाया जाएगा। तो इस प्रिंसिपल को जो फॉलो करता है उसे हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं, और इसमें जो प्रिंसिपल फॉलो होता है वो है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो आखिर में रखा गया है उससे ही सबसे पहले निकाला जाएगा। जैसे हमारे पास में चित्र में आप देख पा रहे हैं तीन स्टैक्स हैं, तो सबसे लेफ्ट वाली जो स्टैक है उसमें सबसे नीचे ब्लू रिंग है, उसके ऊपर ग्रीन रिंग है, उसके ऊपर येलो रिंग है और उसके ऊपर रेड रिंग है। तो क्योंकि रेड रिंग सबसे ऊपर है और रेड रिंग को सबसे लास्ट में डाला गया था, तो रेड रिंग ही सबसे पहले आउट होगी, उसके बाद येलो, उसके बाद ग्रीन और उसके बाद ब्लू। तो स्टैक जो है लीफो प्रिंसिपल पर कार्य करती है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगला एग्जांपल जो है वो है हमारे पास में क्यू का। क्यू इज अ टू एंडेड डेटा स्ट्रक्चर इन विच आइटम्स कैन बी इंसर्टेड फ्रॉम वन एंड एंड टेकन आउट फ्रॉम द अदर एंड। देयरफॉर द फर्स्ट आइटम इंसर्टेड इन टू क्यू इज द फर्स्ट आइटम टू बी टेकन आउट फ्रॉम द क्यू। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू का सबसे सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल है, जैसे ही हम एक पंक्ति में लगते हैं, या वो पंक्ति किसी भी चीज़ की हो सकती है। मान लीजिए हम बिल जमा करवाने गए हैं और एक लाइन लगी हुई है, तो उस लाइन में जो सबसे पहले लगेगा वही व्यक्ति अपना बिल पहले जमा करवा करके और फ्री हो जाएगा। तो जो पहले आएगा और वही पहले बिल जमा करवा कर अपना काम कार्य पूर्ण करके वहाँ से मुक्त हो जाएगा। तो फर्स्ट जो इन हुआ है वही फर्स्ट आउट होगा, और जो आखिर में आया है वो आखिर में आउट होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले एंटर होगा वही पहले एग्जिट होगा। तो क्यू में इस तरह से दो एंड हो गए, एक एंड जो कि आखिर वाला है वहाँ से हम डेटा को इंसर्ट करेंगे, और जो फ्रंट एंड है वहाँ से जब हम डेटा को वापस रिट्रैक्ट करेंगे, वापस निकालेंगे, तो जो सबसे पहले जो डेटा एलिमेंट इंसर्ट हुआ वही सबसे पहले टेकन आउट होगा। तो क्यू जो है वो फीफो सिद्धांत पर कार्य करती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो स्टूडेंट्स, बाकी के जो डेटा स्ट्रक्चर हैं वो हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।